हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। एमपी बोर्ड ने इस दिवाली पर बहुत बड़ा धमाका करा है सबके लिए। 12 फरवरी से आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। वार्षिक परीक्षाएं अब 12 फरवरी से आप लोगों की प्रारंभ हो जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एमपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा जो सिस्टमेटिक है कार्यक्रम वो चल रहा है। टाइम पर ही रिड्यूस सिलेबस एमपी बोर्ड की तरफ जारी कर दिया गया, उसके बाद जो है वो ब्लूप्रिंट भी टाइम पर दे दिया गया। और फरवरी का पूरा प्रारूप जो है कोरोना को देखते हुए, क्योंकि मार्च अप्रैल में कैसे जो है वो बढ़ते रहे हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, तो प्रॉपर एमपी बोर्ड जो है वो एग्जाम नहीं ले पा रहा था। उस सबको देखते हुए इस बार टाइम पर सारी चीजें हो रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। तो क्या है पूरी खबर, जरा आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि इस सबको देखते हुए एमपी बोर्ड के द्वारा ऐलान कर दिया गया, तारीखें घोषित कर दी गई हैं कि 12 फरवरी से अब आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं जाएगी। एमपी बोर्ड ने पहले ही प्रारूप बना लिया था, इस पर मैंने पहले भी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले डाला था कि 15 फरवरी से एग्जाम लेने की तैयारी एमपी बोर्ड ने कर ली है, बस गवर्नमेंट द्वारा उस पर मोहर लगना बाकी थी। तो आज हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी उसको पारित कर दिया गया, मोहर लगा दी गई है, तो अब प्रस्ताव पास हो गया है और 12 फरवरी से अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या है पूरा शेड्यूल हम यहां पर देखते हैं, तो ये पूरा आदेश जो है वो आज पारित हो गया है, उसको हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 3/11 को जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में वर्ष 2019-20 के नोवल कोरोना वायरस के कारण उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि अप्रैल में केसेस बढ़ते हैं, तो इसलिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं व्यावसायिक विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा जो परीक्षाएं होती हैं, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण परीक्षाएं, इन सबको 2021-22 में आयोजित किया जाएगा। दिनांक 12 फरवरी 2022 से 20 मार्च 2022 के मध्य आपकी सैद्धांतिक परीक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी, हो जाएंगी, और 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 के मध्य प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो ये मंडल परीक्षाओं के आयोजन का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम प्रत्यक्ष से जारी करेगा, टाइम टेबल भी अब कुछ दिन बाद आपका जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो थ्योरी के एग्जाम है, जो सब्जेक्ट के एग्जाम है, वो 12 फरवरी से लेकर 20 मार्च के मध्य आयोजित किए जाएंगे, इस बीच आपके एग्जाम हो जाएंगे। वहीं 31 मार्च तक आपके 12 फरवरी से 31 मार्च तक आपकी प्रैक्टिकल के एग्जाम भी आयोजित कर लिए जाएंगे। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है एमपी बोर्ड के द्वारा कई सालों बाद जो है वो प्रॉपर कार्यक्रम यहां पर तय किया गया, और फरवरी में बहुत सालों बाद एग्जाम हो रहे हैं। कभी सीएस वगैरह के मेले लगते थे, उस समय एमपी बोर्ड के द्वारा फरवरी में एग्जाम लिए जाते थे, कई सालों बाद जो है वो ये आदेश देखने को मिल रहा है कि फरवरी में आप लोगों के एग्जाम लिए जाएंगे। डिलीट पोर्शन भी कर दिया गया स्टूडेंट, सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए। तो अब आप लोग जो है ब्लूप्रिंट भी आ गया है, पेपर सिंपल ही आना है, मैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उनको देखते रहिए, और भी जो अपडेट आती है स्टूडेंट्स में टाइम टाइम पर इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि सभी न्यूज आप तक पहुंच सके। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए सभी वीडियो बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट के पास वो पहुंच सके। तो जो भी अपडेट आती है फिर मैं यहां पर बताता हूं, टाइम टेबल भी 2-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा एमपी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अब तय कर लिया गया है कि फरवरी से आपके एग्जाम होंगे। अपडेट्स क्या रहेंगी ये हमको पता लगेगी अब, तो आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच। स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर